हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट में। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की फैन की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में आपका फैन जो है ज़्यादा तेज आवाज कर रहा है या ज़्यादा तेज चल रहा है, आप सभी जो है अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इस स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप सभी ने मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम में डेस्कटॉप में या फिर आपके लैपटॉप में अगर डस्ट ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी जो है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और आपका जो सीपीयू का जो फैन है वो ऑटोमेटिक जो है हाई स्पीड पे चलने लगता है। और उसके बाद जो है आप अपने डस्ट को क्लीन कर दीजिए, उससे भी जो है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है मेंटेन हो जाती है और फैन की स्पीड भी। अगर इससे भी ना हो तो आप सभी जो है अपने बायो सेटिंग्स में जाके चेंजेस कर सकते हैं फैन की स्पीड को। और उसके बाद जो बहुत सारे तरीके होते हैं जिस वजह से जो है आपके सिस्टम की जो है फैन की स्पीड तेज हो जाती है, अगर आप लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस वजह से जो है सिस्टम की फैन की स्पीड जो है ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से हम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की हेल्प से जो है इस स्पीड को जो है कम करेंगे। तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को जो है अपने कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद आप सभी के पास कुछ इस टाइप का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के पास ऐसा इंटरफेस भी देखने को मिल सकता है। अगर आप सभी के पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिले तो आप सभी जो है लार्ज आइकन्स पे क्लिक करना है आप सभी को। और इसके बाद जो है आप सभी को पावर ऑप्शंस में क्लिक करना है। पावर ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान देखने को मिल सकते हैं। हर सिस्टम में अलग अलग प्लान्स होते हैं, कुछ कंपनीज प्रीसेट्स भी जो है बना के भेजती हैं इन प्लान्स का। लेकिन दोस्तों, मैं अपने करंट प्लान में ही चेंजेस करना चाहता हूँ। हाइब्रिड मोड जो है मेरा करंट प्लान है, इसको मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। चेंज प्लान सेटिंग्स को मुझे क्लिक करना है। उसके बाद चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स को मेरे को क्लिक करना है। इसके बाद मेरे को सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, इस पर मुझे क्लिक करना है यहाँ पे। और मिनिमम प्रोसेसर स्टेट ऑन बैटरी यहाँ पे मुझे 25% करना है। और प्लग इन पे मेरे को यहाँ पे 75% करना है। और यही सेम चीज़ मेरे को सिस्टम कूलिंग आप दोनों मोड में आपको ओपन रखना है, यानी एक्टिव रखना है। और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट जो है ऑन बैटरी सेम वैल्यू आपको यहाँ पे ऑन बैटरी 25 देना है। और प्लग इन पे आपको 75% देना है। इसके बाद सिस्टम सेटिंग्स को आप अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इंस्टेंटली चेंजेस देखने को ना मिले अपने सिस्टम में तो आप सभी जो है कंप्यूटर को शट डाउन करिएगा। रीसेट मत करिएगा, कंप्यूटर को शट डाउन करिएगा। और शट डाउन होने के 10-15 सेकंड बाद आप सिस्टम को दोबारा ऑन करिएगा। आप सभी को जो है काफ़ी अर्न इम्प्रूवमेंट पहले से देखने को मिलेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना। अगर आप सभी इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद।